Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, after completion of chapter number 22, we were discussing review questions given at the end of the chapter. Today we will discuss the second case given at the end of the chapter. The case is that Akram owns a small farm. The income of the business varies greatly during the year. The farm makes a small profit, but Akram is ambitious. He wants to take over a neighbor's farm and increase the range of crops he sells. He thinks that he needs long-term finance and plans to take out a bank loan to pay for the takeover. He has already borrowed money to buy a new tractor. A friend has advised him to form a factory and sell shares. ये केस है जी हमारे पास. केस में क्या कह रहा है जी कि अकरम एक फार्मर है, उसके पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फार्म है और ज़ाहिर है एग्रीकल्चरल फार्म की जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो वेरी करती रहती है. यहाँ भी कि उसने ये मेंशन किया है कि उसकी ड्यूरिंग द ईयर इनकम वेरी करती रहती है. इसके अलावा उसने यहाँ पे ये बात किया है कि इस फार्म से अकरम को मामूली प्रॉफिट होता है, छोटा प्रॉफिट होता है. उसकी वजह बड़ी यही है कि फार्म भी इटसेल्फ स्मॉलर साइज का है, लेकिन यह है कि अकरम बड़ा एम्बिशियस है अपने बिजनेस के हवाले से और वो ये सोच रहा है कि वो करीब का एक और फार्म भी टेक ओवर कर ले और वहाँ पर अपनी रेंज ऑफ क्रॉप जो है उसको भी एक्सेल करें. अकरम इस पर्पज़ के लिए, इस टेक ओवर के लिए बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेने का सोच रहा है. इससे पहले भी वो कुछ मनी बारो कर चुका है एक नया ट्रैक्टर ख़रीदने के लिए. उसके एक दोस्त ने उसको एडवाइस किया है कि वो अपने बिज़नेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करा ले और शेयर्स सेल आउट करके उससे जो फाइनेंशियल नीड्स हैं अपने बिज़नेस की वो फुलफ़िल करे. ये है हमारे पास केस. इस केस को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डिफाइन द लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? टू मार्क्स का क्वेश्चन है. डेफिनेशन हमसे पूछी गई है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की. ए फाइनेंस विच इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली फॉर मैनी ईयर्स इज नोन एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है? एक ऐसा फाइनेंस जो एक लंबे अरसे के लिए अवेलेबल हो एक बिज़नेस को, और आमतौर पर यह लंबा अरसा सालों पर मुश्तमिल होता है, कई सालों के लिए. कम से कम एक साल से ज़्यादा का अरसा वो रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए. हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस अकरम कुड यूज व्हेन फार्म इनकम इज़ लो. कहते हैं जी कोई सी दो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ऐसी टाइप्स का जिक्र कीजिए कि जो अकरम यूज़ कर सकता है स्पेशली जबकि उसके फार्म की इनकम भी लो है. दो नंबर का सवाल है. तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमारे पास जो दो प्रोमिनेंट किस्म के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, एक ओवरड्राफ्ट की सूरत में हो सकता है जो बैंक से अपने अकाउंट की जो अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट की गई है उससे ऊपर जो है ना वो की अमाउंट हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस अपने बैंक से शॉर्ट टाइम के लिए. इसी तरह से सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जी फैक्टरिंग ऑफ डेट्स, कि अगर कहीं पे हमारे कोई कस्टमर ऐसे हैं कि जिन्होंने क्रेडिट बेसिस पे हमसे परचेजेस की हुई हैं तो उनके ये जो क्लेम्स हैं हम सेल आउट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को और अपने डेट को जो है वो फैक्टराइज करके उनसे अमाउंट हासिल कर सकते हैं. हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउटलाइन टू फॉर्म्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस अकरम कुड हैव यूज टू बाई द ट्रैक्टर. कह रहा है जी कि कोई से दो इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताइए कि जो कि अकरम अगर अपना ट्रैक्टर ख़रीदने का प्रोग्राम बनाता है तो उसको यूटिलाइज कर सकता है. तो उसमें हम देख सकते हैं कि नंबर वन इज़ यूज़ ऑफ पर्सनल सेविंग. अगर अकरम के पास अपनी पर्सनल सेविंग्स मौजूद हैं तो ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है. वो अपने पर्सनल सेविंग को यूटिलाइज करके ट्रैक्टर परचेज कर सकता है. द सेकंड वन मे बी सेल ऑफ इडल रिसोर्सेज. अगर उसके पास उसके बिजनेस में कोई इडल रिसोर्सेज ऐसे मौजूद हैं कि जिनका कोई प्रॉपर इस वक्त बिजनेस में यूजेज नहीं है तो ऐसी रिसोर्सेज को, ऐसी एसेट्स को भी वो सेल आउट करके अपने फाइनेंशियल नीड ट्रैक्टर खरीदने के लिए वो फुलफिल कर सकता है. Similarly, another question is having 6 marks. Explain two pieces of information that a bank would look
एट बिफोर ग्रांटिंग लोन टू द अक्रम। जब कोई भी बैंक अक्रम को लोन देने का इरादा करेगा तो आप बैंक को एडवाइस कीजिए कोई सी दो तरह की ऐसी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो उस बैंक को हेल्पफुल हो सकती हैं अक्रम को लोन एडवांस करने या ना करने के हवाले से। द वेरी फर्स्ट एडवाइस मे बी दैट द बैंक शुड आस्क फॉर एविडेंस दैट द सिक्योरिटी इज़ अवेलेबल टू मिनिमाइज द बैंक्स रिस्क। सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई लोन लिया जाता है बैंक से तो वो कुछ सिक्योरिटी जो है उसमें वो मांगते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बैंक को हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो इस बात को इंश्योर करे कि अक्रम के पास कुछ ऐसी एसेट्स मौजूद हैं कि जो एज अ सिक्योरिटी वो बैंक को रखवा सके ताकि बैंक का रिस्क जो लोन एडवांस करने का है वो मिनिमाइज हो सके। द सेकेंड एडवाइस मे बी दैट द बैंक शुड चेक कैश फ्लो फॉर कॉस्ट शोइंग नीड एंड यूज ऑफ लोन। इसके अलावा हम बैंक को ये भी सुजेस्ट करेंगे कि वो अक्रम के बिजनेस की कैश फ्लो फॉर कॉस्ट जो है उसको चेक करे, ये देखे कि उसकी बेसिक जो फाइनेंस की फाइनेंशियल नीड है वो है क्या और इस लोन का आगे यूटिलाइजेशन कहाँ पे होनी है, ठीक है, ताकि उसको पे बैक करने में भी उस बिजनेस को कितनी आसानी होगी। हेयर इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच कुड बी यूज्ड फॉर टेक ओवर, जस्टिफाई विच सोर्स शुड बी यूज्ड। बात की जा रही है कोई से दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताइए कि जो अक्रम ने जो प्लान किया था कि एक नया बिजनेस टेक ओवर करने का उसके लिए वो यूटिलाइज की जा सके। तो इसमें देखते हैं हम जी कि इन केस अक्रम प्लान्स टू गो फॉर टेक ओवर ही विल नीड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो ही विल हैव टू रिलाई ऑन सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो इन दिस केस अक्रम शुड गो ईदर फॉर अ बैंक लोन और शुड ट्राई टू टेक ओवर द अदर बिजनेस ऑन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। If he plans to take bank loan, it will cause burden on him as he will have to repay the principal amount along with the heavy interest rate. On the other hand, if he go for leasing, it will be easier for him to repay on easy installments while benefiting from the business. बात यहाँ पर जो की जा रही है वो यही है कि अगर अक्रम बैंक लोन लेता है और हम बात कर चुके हैं इससे पहले वो ट्रैक्टर के लिए बॉरोइंग कर चुका हुआ है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी उसके ऊपर जो है वो डेट्स का एक बर्डन है, ऐसे में फर्दर लोन लेना और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना किसी सूरत भी अक्रम के बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। सेकंड सोर्स उसके पास लीजिंग का हो सकता है अगर वो टेक ओवर का प्लान करता है, तो उस सूरत में अब वो जो सेकेंड बिजनेस जो जिसको वो टेक ओवर करना चाह रहा है उसको अगर दूसरी पार्टी के साथ वो लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो ये उसके लिए निस्बतन आसानी है क्योंकि उसमें इंस्टॉलमेंट में एक तो ये है कि उसको पे बैक करना पड़ेगा और दूसरे ये कि इसी टाइम पीरियड के दौरान वो सेकंड बिजनेस को भी उससे भी बेनिफिट उठा सकेगा।